Welcome to Michael Aron English School Pre-Primary Section. So today I am going to teach you a story. Okay, आज मैं आपको क्या बताऊंगी? Story. The Lion and the Cows. Story का नाम क्या है? The Lion and the Cows. You know lion, right? Lion means शेर, right? And the cows और cows, देखो picture में दिया है ना, ये क्या है? ये cows है और ये क्या है? Lion है. Once upon a time, there lived four cows in the forest. Now see, once upon a time means एक time की बात है. There lived four cows in the forest means forest में, जंगल में कितने cows रहते थे? Four cows. 1, 2, 3, 4. See the picture over here. देखो कितनी cows दी हुई है? 1, 2, 3, 4. Right. So once upon a time, there lived four cows in the forest means वो जो four cows थी वो कहाँ पर रहते थे? फॉरेस्ट में, मींस जंगल में. एवरी डे दे यूज टू ग्रेस टूगेदर इन अ पर्टिक्युलर स्पॉट. सो सी, एवरी डे दे यूज टू ग्रेस टूगेदर इन अ पर्टिक्युलर स्पॉट मींस कि एवरी डे मींस रोज वो लोग क्या करते थे? एक साथ ग्रेस मींस गाय, आपने देखे होंगे ना, गाय भैंस क्या करते हैं? चरने जाते हैं. मींस मतलब वो लोग घास वास चुन के खाने जाते हैं, राइट? सो एवरी डे दे यूज टू ग्रेस टुगेदर मींस वो लोग, जो चारों गायें थी, जो चारों काऊ थी, वो क्या करती थी? रोज़ साथ में ग्रेस करने जाती थी, मींस चरने जाती थी. इन अ पर्टिकुलर स्पॉट मींस एक ही जगह, उनकी एक पर्टिकुलर जगह थी, वहीं पर वो जाती थी. दे वेर ऑल फ्रेंड्स. अब देखो वो जो जितने भी सारी काउंस थी वो चारों क्या थी? एक दूसरे की फ्रेंड्स थी. वन डे अ लायन सॉ द काउंस ग्रेजिंग टुगेदर. तो देखो एक दिन क्या हुआ, वो लायन ने देखा कि वो जो काउंस है, जितनी भी फोर काउंस है, वो क्या कर रही है? एक साथ ग्रेज कर रही है, एक साथ मतलब एक साथ वहाँ पे चर रही है. ओके, द लायन वॉन्टेड टू ईट देम सो ही वॉन्ट टू कैच देम. सो सी, द लायन वॉन्टेड टू ईट दैम. अब देखो वो जो लायन था उसको वो काऊ को ईट करना था, खाना था. सो ही वॉन्टेड टू कैच दैम, इसीलिए जब उसको खाना था इसीलिए वो क्या चाह रहा था? कि मैं उसे कैच कर लूँ, मीन्स पकड़ के खा लूँ. वेन द काऊ सॉ द लायन ऑल ऑफ देम फॉट विथ हिम. तो देखो जितनी भी काउस थी उन लोग ने जब देखे कि लायन हमारे पास में आ रहा है तो वो चारों ने क्या करे? उससे झगड़ा करे. सीधा पिक्चर हो गया, देखो उसको डरा के लायन को ही वो लोग फोर थे करके उसे भगा दिए. द लायन हैड टू रन अवे. तो वो फोर साथ में यूनिटी थी उनकी, राइट? फ्रेंड्स थे सारे, तो उसकी वजह से वो लायन को भागना पड़ा. अ फ्यू डेज पास्ट एंड देन काऊ क्वेरल्ड बिटवीन देमसेल्फ एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली. अब देखो कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, वो जितनी भी काउस थी, फोर काउस थी, वो क्या करी? आपस में झगड़ा कर ली. और फिर वो झगड़ा करने के बाद में अपना सेपरेटली मीन्स अलग अलग अपना ग्रेज करने लगे. वन डे वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम. तो देखो एक दिन क्या हुआ, अब देखो एक साथ वो लोग की यूनिटी थी तो लायन उन पर हमला नहीं कर पा रहा था, राइट? लेकिन अब जब काउज ने झगड़ा कर लिए, वो लोग ने आपस में झगड़ा कर लिए, तो वो लोग अलग अलग घूम रहे थे, तो उसकी वजह से लायन को ईजी हो गया वो लोग का शिकार करने, हंट करने. तो उसने एक एक करके सबको मार दिया. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी. अब देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ मीन्स यूनिटी में ताकत है. जो इंसान एक अकेला जो चीज़ नहीं कर सकता वो मिलकर कर सकता है, राइट? सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सो द लायन एंड द काउस. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड फोर काउस इन द फॉरेस्ट. एक टाइम पे क्या था? एक फॉरेस्ट में फोर काउस मीन्स चार काऊ रहती थी. एवरी डे दे यूज टू ग्रेस टुगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट. और वो क्या करते थे? रोज एक ही स्पॉट पे रोज क्या करते थे? वो लोग चरने जाते थे. दे वेर ऑल फ्रेंड्स. और वो जो फोर काउस थी वो क्या थी? एक दूसरे की फ्रेंड्स थी. वन डे अ लायन सॉ द काउस ग्रेसिंग टुगेदर.
तो एक दिन वो लायन ने क्या देखा कि वो जो काऊ है वो क्या कर रहे हैं, एक साथ ग्रेस कर रहे हैं। द लायन वॉन्टेड टू ईट देम सो ही वेंट टू कैच देम। तो वो जो लायन था उसको क्या करना था, उसे खा लेना था, वो लोगों को खा लेना था, इसीलिए वो वहाँ पे कैच करने के गया, उनको पकड़ने गया। When the cows saw the lion, all of them fought with him. तो देखो जब वो सारी cows ने, जो four friends थी, वो लोग ने जब lion को देखा तो वो लोग क्या करने लगे, उससे fought करने लगे, झगड़ा करने लगे। The lion had to run away, और इस वजह से जो lion था उसको भागना पड़ा। A few days passed and the cow quarreled between themselves. और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो जो cows थी एक दूसरे से झगड़ा कर ली। And started grazing separately, और फिर वो लोग अलग अलग ग्रेस करने लगे। वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो लायन था उसने सबको मार दिया एक एक करके। सो मॉरल ऑफ द स्टोरीज क्या है, यूनिटी स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स मिलकर रहना, वो क्या है, स्ट्रेंथ है, ताकत है। ओके सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ।